कोयटा और गिरदोनवा में जिलजिले के झटके झटके नोश की चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जिलजिले की जेर ज़मीन गहराई 35 किलोमीटर थी। मरकज़ कोयटा से 160 किलोमीटर जनूब मगरब में था। कोयटा और गिरदोनवा में जिलजिले के झटके झटके नोश की चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की जेर ज़मीन गहराई 35 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ कोयटा से 160 किलोमीटर जनूब मगरब में था। कोयटा और गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए। झटके नोश की चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जलजिले की जेर ज़मीन गहराई 35 किलोमीटर थी। मरकज़ की अगर बात की जाए तो मरकज़ कोयटा से 160 किलोमीटर जनूब मगरब में था। इसी पर बात करेंगे। ईसा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, आगाह कीजिएगा जलजिले के हवाले से। जी बिल्कुल, आज रात को कोयटा के आसपास और कोयटा शहर में जिले के शदीद झटके महसूस हुए। जिले के से चमन, नौशकी, मस्तूंग और दीगर इलाकों में महसूस किए कि कोयटा में के मुताबिक जिले के मरकज़ 5.6 की जो शिद्दत था 5.4 रिकॉर्ड की गई, जिसकी एक शिद्दत जो थी वो 35 थी। जो जिले से कोई किसी किसी नुकसान की इतलात नहीं मिली है। जो जिला होते ही लोग विद्युत करते हुए घरों से बाहर रहे, तहम पूरी तौर पर कोई इतलात मौजूद नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ईसा आपका।